टिप्पणी, न्यायाधीश विधि की खोज करते हैं, निर्माण नहीं करते। न्यायाधीश अपने निर्णयों द्वारा विधि का निर्माण करते हैं या नहीं, इस विषय पर विधि शास्त्रियों में बड़ा ही मतभेद है। कुछ वैधानिक व्यवस्थाओं में न्यायाधीश का निर्णय अभियोग से संबंधित केवल दो दलों पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि अन्य अधीनस्थ न्यायालयों, उसी न्यायालय में आने वाले तदनुकूल भावी अभियोगों पर भी लागू होता है। किंतु कुछ अन्य देशों में एक न्यायालय के निर्णय दूसरे न्यायालय पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखते हैं, परंतु इतने पर भी यह देखा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के निर्णयाधार को उसी स्वभाव के अन्य अभियोगों में अपने आप ही मानने लगते हैं। इसलिए इस संबंध में हम विधि शास्त्रियों के विचारों को निम्न दो सिद्धांतों के रूप में विभाजित करते हैं। फर्स्ट, घोषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार न्यायाधीश विधि की खोजकर्ता के अलावा अन्य कुछ नहीं है। न्यायाधीश किसी विशेष विषय पर विधि की खोज करते हैं और इसे घोषित करते हैं। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम हेल ने प्रतिपादित किया और बाद में बहुत से लेख को विधि शास्त्रियों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। न्यायाधीश केवल व्यक्तिगत अभियोगों पर लागू होने वाली विधियों एवं सिद्धांतों की खोज करते हैं। कोक का यह मत है कि न्यायिक विनिश्चय विधि के स्रोत नहीं है, किंतु इस बात के सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है कि विधि क्या है। मैथ्यू के मतानुसार न्यायालयों के विनिश्चय उचितता कहा जाए तो विधि का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि वह केवल राजा एवं पार्लियामेंट ही कर सकते हैं। फिर भी राज की विधि क्या है, इसकी व्याख्या करने, घोषित करने और प्रकाशित करने में उनकी भारी गुरुता और प्रामाणिकता होती है। और यद्यपि इस प्रकार के विनिश्चय विधि से घटकर होते हैं, किंतु वे प्राइवेट व्यक्ति चाहे जो भी हो की राय की अपेक्षा विधि के अधिक महत्साक्ष होते हैं। ब्लैक स्टोन के मतानुसार कॉमन लॉ सामान्य रूढ़ियों से बनी है, किंतु रूढ़ियाँ क्या है यह न्यायालयों के निर्णयों से जाना जा सकता है। यह न्यायिक विनिश्चय प्रधान एवं सर्वाधिक प्रमाणिक साक्ष्य है, जो कि ऐसी रूढ़ी के अस्तित्व के बारे में दिया जा सकता है जो कॉमन लॉ का भाग होगी। ब्लैक स्टोन ने आगे कहा है कि पूर्व निर्णयों का उस स्थिति में अनुसरण किया जाना चाहिए जहां उसी प्रश्न पर पुनः वाद होता है। पूर्व निर्णय नितांत रूप से आबद्ध कर नहीं है, उनकी उस स्थिति में उपेक्षा की जा सकती है जबकि वे अनुचित एवं बेतुके हों। डॉक्टर कार्टर ने कहा है कि न्यायाधीश विधि के खोजकर्ता थे, उसके निर्माता नहीं। उन्होंने आगे कहा है कि यदि न्यायाधीश ने जो कुछ किया वह ऐसे विधि की घोषणा करना था जो पहले अस्तित्व में नहीं थी, तो विधि के अस्तित्व से पहले होने वाले किसी व्यवहार में विधि के उल्लंघन के लिए एक पक्षकार को उनके द्वारा दायित्व के अधीन बनाया जाना एक असमर्थनीय अन्याय होगा। यदि उस विषय पर पहले से ही कोई विधि अस्तित्व में थी तो यह नहीं कहा जा सकता कि न्यायाधीश ने विधि का निर्माण किया। इस तरह डॉक्टर कार्टर के अनुसार विनिश्चय विद्यमान विधि को केवल घोषित करते हैं। डॉक्टर एलन के मतानुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पेड़ से लकड़ी के लट्ठे काटकर गिराता है तो वह लकड़ी का निर्माण नहीं करता है, बल्कि पहले से ही विद्यमान लकड़ी को पेड़ से काटकर लट्ठे के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक इसी तरह से न्यायाधीश केवल विधियों के स्वरूप को प्रकट करते हैं, वे नई विधियों का निर्माण नहीं करते हैं। लॉर्ड ईसर के मतानुसार वस्तुतः न्यायाधीश निर्मित विधि ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते हैं। यद्यपि उन्हें प्रायः विद्यमान विधि को ऐसी परिस्थितियों पर लागू करना पड़ता है जिनके विषय में यह पहले प्रमाणिक रूप से अभी कथित नहीं किया गया है कि ऐसी विधि लागू हो सकती है। यह मत कि न्यायाधीश केवल विधि की घोषणा करते हैं और इसका निर्माण नहीं करते हैं अनेक विधि शास्त्रीय द्वारा समर्थित है, किंतु इसके आलोचक भी हैं। इसकी आलोचना बेंथम एवं ऑस्टिन दोनों ने की है। बेंथम ने इस सिद्धांत के विषय में कहा है, यह जानबूझकर कहा गया झूठ है जिसका उद्देश्य उन हाथों द्वारा उनके लिए विधायी शक्ति की चोरी करना है जो खुले रूप से इसका दावा नहीं कर सकते या करने की हिम्मत नहीं करते हैं। ऑस्टिन ने इस सिद्धांत के विषय में कहा है कि
यह हमारे न्यायाधीशों द्वारा प्रयुक्त बालोचित कलिपार्थ है कि कॉमन लॉ उनके द्वारा नहीं निर्मित की जा सकती है, अपितु कोई रहस्यात्मक वस्तु है जो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है, अनादि काल से विद्यमान है। मैं इस प्रकार की कल्पना करता हूँ और समय समय पर न्यायाधीशों द्वारा केवल घोषित की जाती है। सेकेंड पॉइंट, निर्माणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांतानुसार न्यायिक पूर्वोक्तियां नई विधियों का महत्व रखती है। प्रोफेसर डाइसी का कहना है कि इंग्लैंड की विधि का सर्वोत्तम भाग न्यायाधीशों द्वारा बनाई गई विधि का है, अर्थात न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों में प्रतिपादित नियमों से संकलित किया गया है। प्रोफेसर ग्रे का भी यही कहना है कि न्यायाधीश ही केवल विधि के निर्णायक होते हैं, अर्थात जिसको भी किसी लिखित या कथित विधि के अर्थ निर्णय का एकमात्र अधिकार प्रदान किया गया है, वास्तव में वह विधि का एकमात्र जन्मदाता है। विधि का लिखने वाला या उसको कहने वाला उसका जन्मदाता नहीं है। उपरोक्त विद्वानों के उदाहरण से स्पष्ट है कि न तो विशुद्ध रूप से घोषणात्मक सिद्धांत और न ही पूर्णतः निर्माणात्मक सिद्धांत के न्यायाधीश विधियों के निर्माता हैं। वास्तविक में तथ्य को प्रकट करने में समर्थ हैं। न्यायाधीश वास्तव में विधानों के अभावों को पूरा करते हैं एवं विधानों की बोधगम रूप से घोषणा भी करते हैं।